ये जो पीसीबी है ये महाराजा वाइट लाइन का पीसीबी है जिसमें E8 का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि ये क्यों आ रहा है, कई बार क्या होता है कि IGBT हमारा ख़राब होने की वजह से आता है, IGBT हम बदल भी दिए तब भी ये प्रॉब्लम रहता है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है ये ख़राब होने से भी, यानी कि 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे होते हैं वो उसको उसमें भी प्रॉब्लम आने की वजह से भी होता है। और इसमें जो 3 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ये 3 ट्रांजिस्टर उसको भी चेंज कर देने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो ये समझ लो कि 18 वोल्ट जो आ रहा है हमको, उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि 18 वोल्ट कहाँ से आ रहा और किसके थ्रू से आ रहा। और ये जानकारी के लिए हमारा मिर्ज़ा वन मोहसिन वन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके रखो तो आपको बहुत काम आएगा। तो ये ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो पता करते हैं कि E8 का जो एरर है, जो एरर जो आ रहा है हमारे को उसमें आवाज़ आना चाहिए, मतलब कि 3 सेकंड के गैप में आवाज़ आना चाहिए। और जब आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा तो E8 का, तो महाराजा के अंदर में तो कंटिन्यू आवाज़ करेगा विदाउट गैप, 3 सेकंड में आवाज़ करना चाहिए लेकिन इसमें कंटिन्यू आवाज़ करेगा। तो ऐसे केस में ये जो तीनों ब्लैक कलर के ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए ये ज़िम्मेदार होते हैं। और इसके अलावा जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये रजिस्टर पल्स विद मॉड्यूलेशन के बीच में ये 10 ओम्स का रजिस्टर ओपन हो जाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। जो तीनों रजिस्टर में से जो राइट में जो रजिस्टर लगा हुआ है ये 10 ओम्स का रजिस्टर होता है जिसकी वजह से हमको E8 का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बगल में जो जीनर डायोड दिख रहा है ये हमारा जीनर डायोड, इसके शॉर्ट होने से भी ये एरर प्रॉब्लम करता है। जब भी IGBT ख़राब हो तो हमको पल्स विद मॉड्यूलेशन को चेक करना ही है, क्योंकि 18 वोल्ट यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पर हमको कितना ओम्स लगाना चाहिए वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये समझ लो कि 18 वोल्ट नहीं बनेगा तो मॉड्यूलेशन को दिख रहा होगा जीनर डायोड, तो इसको पता है जीनर डायोड के ख़राब होने की वजह से भी पावर सप्लाई प्रॉब्लम आती है आपको। कि आईजीएनिक ने इसको लगाया हुआ उसने कि हमें पल्स विद मॉड्यूलेशन को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो तीन यहाँ पे जो रजिस्टर जो दिख रहा है ये वाला, ये 10 ओम से 47 ओम तक का इसका वैल्यू आना चाहिए। अभी बंदे ने क्या किया, कोई मैकेनिक ने इसको 56K का लगा दिया, तो 56K का लगा देगा तो फिर 18 वोल्ट कैसे पास होगा, यहाँ पर 18 वोल्ट तो पास होगा ही नहीं। तो आप याद रखना यहाँ पे 10 ओम से लेके 47 ओम का रजिस्टर ही लगेगा, तभी तुम्हारा IGBT को गेट पर जो मतलब ऑन, तुम्हारा IGBT भी ऑन होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा IGBT का जो गेट है वो ऑन ही नहीं होगा, IGBT का जो गेट है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 रजिस्टर लगे हैं IGBT के गेट से ऑन नहीं होंगे और सिग्नल फिर प्रॉपर मिलेगा नहीं, तो IGBT का गेट पर वर्क नहीं करेगा तो डिस्प्ले में एरर तो दिखेगा यही वाला। तो 18 वोल्ट आएगा तभी पल्स विद मॉड्यूलेशन हमारा ऑन होगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रजिस्टर बताया मैंने आपको 10 से 47 ओम, तो इसका मतलब कि अगर हमको इमरजेंसी में रजिस्टर ना मिले तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर है, इसको हम जंपर कर सकते हैं। लेकिन उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि इसको सेम वैल्यू का डाल दो, क्योंकि वो फिर वो 5-6 दिन में प्रॉब्लम करेगा। तो इमरजेंसी में अगर कस्टमर को देना है तो उस वक्त ये रजिस्टर को निकाल के हम जंपर कर सकते हैं। तो इस तरह हम जंपर करेंगे, इसको जंपर करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये फिर ठीक है, ये E0 का एरर आ गया, हमारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अभी E8 का नहीं, अभी E0 का एरर आ गया। तो IGBT चेक कर लिए, पल्स विद मॉड्यूलेशन में जो रजिस्टर लगा था हमारा उसका प्रॉब्लम था, 10 से लेके 47 ओम से बीच में ही लगाना, उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर तुम्हारा काम नहीं करेगा। और यही इसका सॉल्यूशन है कि लास्ट से लास्ट क्या हो सकता है E8 के अंदर में, महाराजे के अंदर में, कि हमारा जो 10 ओम से लेके जो 48 ओम तक का जो रजिस्टर है वही ज़्यादातर मिस होता है, उस पर ध्यान दीजिए।